आईपीएल 2024 में तूफान मचाने वाले नीतीश रेड्डी ने एपीएल यानी कि आंध्र प्रदेश प्रीमियर लीग में इतिहास रच दिया है। दरअसल इस वक्त आईपीएल चल रहा है और कुछ समय बाद एपीएल की शुरुआत होगी और वहां पर इस 20 साल के युवा को इतनी भारी भरकम रकम में खरीदा गया है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साल 2023 में इस युवा को एसआरएच ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन दो ही मैच मिले जहां उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, गेंदबाजी करी पर विकेट नहीं मिला, लेकिन इस टीम ने नीतीश रेड्डी पर भरोसा जताया और एक साल के लिए और खिलाया। और इस साल नीतीश रेड्डी विद द बैट लगभग 48 के एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसके साथ साथ विकेट्स भी निकाल कर दे रहे हैं। नीतीश रेड्डी आने वाले समय में भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं क्योंकि वो राइट आर्म मीडियम पेस यानी कि तेज गेंदबाजी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करके देते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं और तेज गेंदबाजों को भी। तो पोटेंशियल ऑलराउंडर जो हमें तलाश होती है एक इंडिया टीम में, हार्दिक पांड्या के बाद शायद नीतीश रेड्डी वो नाम हो सकते हैं, क्योंकि दुबे हो गए या फिर हो गए विजय शंकर, इन सबसे थोड़ा सा पेस ज़्यादा है रेड्डी की, तो नीतीश रेड्डी पहली चॉइस हो सकते हैं। अब एपीएल में नीतीश रेड्डी को खरीदा गया, आंध्र प्रदेश प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले वो खिलाड़ी बन चुके हैं। आईपीएल में नीतीश रेड्डी की कीमत है 20 लाख और एपीएल में उन्हें 15,60,000 की रकम पर खरीदा गया। जब ये बोली लग रही थी तो नीतीश रेड्डी लाइव इसको देख रहे थे क्योंकि अभी हैदराबाद में मुकाबले होने हैं, एक्चुअली आज ही मुकाबला होना है हैदराबाद का गुजरात टाइटन्स के साथ। वहाँ पर नीतीश ये अपने आईपैड में लाइव बोली लगते हुए देख रहे थे और उसके बाद बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि मेहनत का फल आखिरकार इन्हें मिला है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि नीतीश रेड्डी भारत के पोटेंशियल ऑलराउंडर हो सकते हैं या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।